हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिशिर पांडे SGS क्लासेस के बिहाफ पर आप सभी का हमारी नीट बायोलॉजी सीरीज़ में स्वागत करता हूं। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी का एक टॉपिक है। तो चलिए इसी बिहाफ पर हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों, जब हमें यहाँ पर कुछ बातें करनी हैं तो हम अपनी सारी बातों को NCERT के हिसाब से ही रखेंगे। इसलिए जितनी भी टेक्स्ट का मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ वो स्ट्रिक्टली NCERT बेस्ड है। जैसे अगर मैं आपसे, देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का या सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का इंट्रोडक्टरी सेक्शन की बात करूँगा तो आप देखेंगे कि इससे रिलेटेड यहाँ पर बेसिकली NCERT में हमारे 5 पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। मैं फोर ब्रेन की बात करूँगा तो NCERT से करीब 11 पॉइंट्स निकलते हैं जो कि हमारा फोर ब्रेन सेक्शन ऑफ द ब्रेन को डील करते हैं। इसी तरीके से मिड ब्रेन की अगर हम बात करें तो NCERT में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन हैं। और हाइंड ब्रेन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो जनरली NCERT में देखिए यहाँ पर 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें आने चाहिए। तो इसी नोट पे हम चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन है उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो बेसिकली आप इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक को हम क्या कहते हैं, फोर ब्रेन कहते हैं। सेकेंड पार्ट इज द मिड ब्रेन एंड थर्ड पार्ट इज द हाइंड ब्रेन। आगे जाके मैं अभी आपको इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए टेक्निकल टर्म्स में अगर हम यहाँ पे समझें तो जो ब्रेन है वो कितने पार्ट्स में बच्चों डिवाइडेड है, वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये 3 पार्ट्स के नाम या इसका जो ये न्यूमेरिकल फिगर है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, तो आंसर इज बेसिकली 3 पार्ट्स, दैट इज द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सब डिविजन्स ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। अगर हम यहाँ पर बेसिकली फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन फर्दर 3 सब पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें पहला पार्ट होता है उसको हम सेरिब्रम कहते हैं, सेकेंड पार्ट को हम थैलेमस कहते हैं और थर्ड पार्ट को हम हाइपोथैलेमस के नाम से जानते हैं। मिड ब्रेन में बेसिकली देखिए रेटिकुलर फॉर्मेशंस के लिए ये इन्वॉल्व है। और अगर हम यहाँ पर हाइंड ब्रेन की बात करें तो अगेन दिस हाइंड ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज द मेडुला, या जिनको हम कॉमनली हम मेडुला ऑब्लंगाटा भी कहते हैं। सेकेंड पार्ट इज द पॉन्स, जिसको कॉमनली हम पॉन्स वेरुलाए कहते हैं। एंड थर्ड इज द बैलेंसिंग पार्ट, जो कि हमारे बॉडी में बैलेंसिंग को कोऑर्डिनेट करता है, और उस पार्ट को हम सेरिबेलम कहते हैं, जो कि हाइंड ब्रेन का ही सब पार्ट है। तो इन दिस फ्लो चार्ट हमने बेसिकली क्या देखा कि जो ब्रेन है वो कितने पार्ट्स में, और जो पार्ट्स हैं वो अपने सब पार्ट्स में कितने टाइप्स में वो डिवाइडेड होते हैं। अब देखिए, अगर यहीं पर हम पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो देखिए ये डायग्राम हमें ये समझा रहा है कि जो पार्ट्स ऑफ ब्रेन है उनकी लोकेशन क्या है। देखिए, सेरिब्रम ये वाला पोर्शन, थैलेमस ये वाला जो रेड पोर्शन यहाँ दिखा रखा है, और देखिए ये जो हाइपोथैलेमस है, दीज आर बेसिकली द सब पार्ट्स ऑफ विच पार्ट ऑफ ब्रेन, बेसिकली द फोर ब्रेन। तो जैसा कि हमने पीछे देखा था कि जो फोर ब्रेन था उसके हमारे बच्चों बेसिकली कितने पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स थे, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक वैसा ही रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो हमारे लिए डायग्राम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो पार्ट्स ऑफ ब्रेन है वो कितने सब पार्ट्स में, और उन सब पार्ट्स का क्या नाम है, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए,
अब हम मिड ब्रेन में आते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे जो हाइंड ब्रेन है इसके जस्ट ऊपर जो ये डार्क ब्राउन कलर का पोर्शन दिखा रखा है, दिस इज बेसिकली द मिड ब्रेन। और ये देखिए पॉन्स मेडुला ओब्लोंगाटा और ये जो सेरिबेलम वाला पोर्शन है, ये जो तीन पोर्शंस हैं वो बेसिकली हमारे हाइंड ब्रेन के सब पार्ट्स या कंपोनेंट्स हैं। और यहाँ पर अगर आप कुछ और बातें देखें, यहीं पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्लैंड की लोकेशन होती है जिसे हम बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं या मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी कहते हैं, क्योंकि मेजर जो कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस होते हैं बॉडी में वो यही ब्रेन यही ग्लैंड कोऑर्डिनेट करता है। इसीलिए इसे बैंड मास्टर, इसीलिए इसे बच्चों क्या कहा जाता है, बैंड मास्टर, या हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी भी कहा जा सकता है, मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये भी एक देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब अपने नेक्स्ट सेक्शन में जब हम चलेंगे तो हम इन्हीं बातों की बात करेंगे जो कि एनसीईआरटी में बेसिकली टेक्स्ट में दिए हैं। तो देखिए जो इंट्रोडक्टरी सेक्शन है जहाँ पर हमने सेंट्रल न्यूरल सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करी है, तो वहाँ पर एनसीईआरटी में 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट इज कि ब्रेन एक्चुअली क्या है। ब्रेन को एक ऐसा ऑर्गन माना गया है जो कि बॉडी को कमांड और कंट्रोल करता है, बॉडी को कमांड और कंट्रोल करता है। तो देखिए ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि ब्रेन एक ऐसा प्रोसेसिंग ऑर्गन है जो कि बॉडी को कमांड एंड कंट्रोल करता है। तो पूछा जा सकता है विच ऑर्गन कंट्रोल्स द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, आंसर आता है ब्रेन। अब देखिए जो ब्रेन के जो रोल्स हैं वो बेसिकली वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, बैलेंस ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, फंक्शनिंग ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स लाइक लंग्स हार्ट किडनीज, थर्मोरेगुलेशन करता है, हंगर एंड थर्स्ट को रेगुलेट करता है, सर्काडियन रिदम्स जिनको हम 24 आवर क्लॉक जिस तरीके से हमारी बॉडी अडेप्टेड होती है, ये जो सर्काडियन रिदम्स के हिसाब से सरका का बेसिक मतलब होता है बच्चों क्लॉक, तो 24 आवर की साइकिल में हमारी बॉडी किस तरीके से अडेप्टेड होती है, ऐसे रिदम्स को हम बेसिकली सर्काडियन रिदम्स कहते हैं। और कुछ एक्टिविटीज़ जैसे बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रेगुलेट करना, ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करना, प्रोसेसिंग ऑफ विजन को रेगुलेट करना, हेयरिंग को रेगुलेट करना, स्पीच को रेगुलेट करना, मेमोरी इंटेलिजेंस इमोशंस एंड थॉट्स को रेगुलेट करना, ये ब्रेन के अलग अलग पोर्शंस के बेसिक फंक्शंस होते हैं जिन्हें इन डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। तो दिस इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ब्रेन कौन कौन सी तरीके के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। अब देखिए जो ब्रेन है उसका प्रोटेक्शन कैसे होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। बेसिकली जो स्कल है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। तो पूछा जा सकता है ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय डैश, तो आंसर इज बच्चों स्कल। तो जिसको हम बेसिकली हिंदी में कपाल कहते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं। और ये एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ब्रेन जो है वो वेल प्रोटेक्टेड होती है। तो जैसे हम आपको इस डायग्राम में दिखा रहे हैं, ये तो पोर्शन ऑफ ब्रेन है, इसके बाहर का जो पोर्शन होगा ये बेसिकली स्कल का पोर्शन है जो इस ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब देखिए इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजेस, दैट मीन्स कि जो कवरिंग ऑफ द ब्रेन है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मेनिंजेस, उनको हम बेसिकली क्या कहते हैं मेनिंजेस। और ये मेनिंजेस जो होती हैं बेसिकली 3 लेयर्ड होती हैं, जिसमें से जो आउटर लेयर है बच्चों उसे हम क्या कहते हैं ड्यूरा मैटर कहते हैं, जो आउटर लेयर है उसे हम ड्यूरा मैटर कहते हैं, मिडिल लेयर है उसे हम
एरेकनॉइड के नाम से जानते हैं, एरेकनॉइड के नाम से जानते हैं, और जो इनर मोस्ट पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं, पाया मैटर कहते हैं। तो दिस इज बेसिकली द थ्री लेयर्स ऑफ व्हाट, दिस इज बेसिकली द थ्री लेयर्स ऑफ द कवरिंग ऑफ लंग्स, जिनको हम मेनिंजेस कहते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें कि जो इनर मेम्ब्रेन है वो डायरेक्टली जो ब्रेन टिश्यू है उससे कनेक्टेड रहती है, तो आप पूछें, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच पार्ट ऑफ द मेनिंजेस इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन टिश्यूज, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, इनर लेयर, दैट इज बेसिकली द पाया मैटर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो ब्रेन, जो कौन सी मेनिंजेस की लेयर ब्रेन टिश्यूज के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है। अब देखिए जो ब्रेन है वो तीन मेजर पार्ट्स में, जैसा हमने फ्लो चार्ट में देखा था, डिवाइडेड है। पहला पार्ट हमारा क्या है, फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन और तीसरा है हाइंड। तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी में आगे इसने क्या क्या इनके बारे में डिटेल्स दी। देखिए ये जो 11 पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसे हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से रिलेटेड पॉइंट्स, एंड एवरी पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए फोर ब्रेन से रिलेटेड जो पहला पॉइंट है कि वो फोर ब्रेन के कंपोनेंट्स क्या क्या है, हमने पहले भी पढ़ा है कि जो फोर ब्रेन्स के कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस होते हैं। अब हम सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट की अगर बात करें बच्चों, तो सेरिब्रम जो है मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट कंस्टिट्यूट्स द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, आंसर है सेरिब्रम। अब देखिए जो हमारा सेरिब्रम है वो एक डीप क्लेफ्ट से, और जो ये डीप क्लेफ्ट होता है ये बेसिकली लॉन्गिट्यूडिनल होता है, जो कि सेरिब्रम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और इन दो पार्ट्स को हम बेसिकली सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स कहते हैं, जो कि राइट और लेफ्ट पोर्शन में डिवाइडेड होते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, जो डीप क्लेफ्ट विच इज एक्चुअली लॉन्गिट्यूडिनल, इट डिवाइड्स द सेरिब्रम इंटू टू पार्ट्स विच इज द राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। और ये जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स हैं एक ट्रैक ऑफ मसल, ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर से कनेक्टेड होते हैं, और इस ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर को हम क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलसम कहते हैं। तो दैट मीन्स कि कॉर्पस कैलसम का जो बेसिक रोल है वो क्या करता है, वो बेसिकली इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है बिटवीन द टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, दैट इज द राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। अब जो बाहर की लेयर है सेरिब्रल या फोर ब्रेन की, उसको हम बेसिकली बच्चों सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, और वो बहुत सारे प्रोमिनेंट फोल्ड्स में डिवाइडेड होती है, जैसा कि हमारा पॉइंट नंबर 5 हमें समझा रहा है। और ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ये बेसिकली ग्रेइश अपीयरेंस में होता है, और इसका एक बहुत सीधा सा कारण ये है कि जितने भी हमारे न्यूरॉन्स हैं वो एक्चुअली द सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कंसंट्रेटेड होते हैं, विच गिव्स इट अ ग्रे अपीयरेंस। हेंस द आउटर लेयर ऑफ सेल्स इज बेसिकली कॉल्ड एज द ग्रे मैटर। अब आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ग्रे मैटर एक्चुअली है क्या, जो आउटर पोर्शन ऑफ द ब्रेन है, सपोज ये वाला बच्चों, ये जो पोर्शन मैं दिखा रहा हूँ ये ग्रे मैटर है, इसमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ न्यूरॉन्स होता है, जिस कारण से इसका अपियरेंस ग्रेइश होता है, इसीलिए हम इसको ग्रे मैटर के नाम से जानते हैं। अब देखिए द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स मोटर एरियाज, सेंसरी एरियाज एंड लार्ज रीजन्स दैट आर नियरली क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन। अब कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनको कॉमनली, जो ये कहना चाह रहा है, ये बेसिकली बात करना चाह रहा है बच्चों एसोसिएशन एरियाज की। एसोसिएशन एरियाज कुछ इस तरीके के एरियाज होते हैं, ना तो वो उनका मोटर एरियाज में वो आते हैं और ना वो
सेंसरी एरियाज में आते हैं, तो जिनका रोल ना तो मोटर का हो और ना सेंसरी का हो, ऐसे एरियाज को हम बेसिकली एसोसिएशन एरियाज के नाम से जानते हैं। और इनका बेसिकली काम क्या होता है, दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेमोरी एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब अगर आप यहाँ पर बात करें कि अगर हमने यहाँ तक अब तक पढ़ा कि ग्रे मैटर क्या होता है, जहाँ पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ न्यूरॉन्स होती है जिस कारण से उसका अपीयरेंस ग्रे होता है, ऐसे ही उसके अंदर वाला पोर्शन बच्चों वाइट इन अपीयरेंस होता है और उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, वाइट मैटर कहते हैं। तो अगर ग्रे मैटर इस लेयर में है तो इसके अंदर वाला ये जो पोर्शन है दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द वाइट मैटर। अब देखिए, सेरिब्रम इज रैप्ड अराउंड अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज थैलेमस विच इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट रैप्स द या विच स्ट्रक्चर रैप्स द सेरिब्रम, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा बच्चों, थैलेमस। और अगर आपसे पूछे कि थैलेमस का रोल क्या है, तो वो बेसिकली क्या है, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर की तरह वो काम करता है फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो आप सभी ने छोटी क्लासेस से भी स्टडी करा होगा, जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। तो एक्चुअली जो थैलेमस होता है उसके बेस में एक छोटा सा उभार दिखने को मिलता है और उस स्ट्रक्चर को हम बेसिकली हाइपोथैलेमस कहते हैं, जो कि बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेशन, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, इन सारी चीज़ों से क्या होता है, कंसर्न्ड होता है। अब यहाँ पर आप कुछ और चीज़ें देखेंगे जिनको आगे मैं डायग्राम में आपको क्लियरली समझाऊंगा कि द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डील स्ट्रक्चर्स लाइक एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस एक्सेट्रा फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड द लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इनर सेरिब्रल पार्ट्स हैं और उन इनर सेरिब्रल पार्ट्स के साथ जो एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स हैं जैसे एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, ये बेसिकली लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर बनाते हैं, जिसके फंक्शंस को हम आगे हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। लेकिन जो इनका रोल है वो बेसिकली बहुत क्लियर है, दे आर इन्वॉल्व्ड इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, इमोशनल रिएक्शंस लाइक एक्साइटेशन, प्लेजर, रेज एक्सेट्रा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जब हम मिड ब्रेन की बात करेंगे तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिड ब्रेन से कनेक्टेड है। पहली चीज कि मिड ब्रेन की लोकेशन क्या है, तो आप देखेंगे मिड ब्रेन की लोकेशन जो है वो हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन, मतलब थैलेमस और हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन। और अगर हम बात करें यहाँ पर पॉन्स की ऑफ द हाइंड ब्रेन, इसके बीच में जो ये लोकेशन होती है ये बेसिकली किसकी होती है, मिड ब्रेन की। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल है जो पूछा जा सकता है कि ये जो कैनाल है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो इस कैनाल का बेसिक नाम है सेरिब्रल एक्वीडक्ट, जो कि मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेरिब्रल एक्वीडक्ट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन वन फोर ब्रेन, ऑप्शन टू मिड ब्रेन एंड ऑप्शन थ्री हाइंड ब्रेन। तो ये पूछा जा सकता है और उसका सही आंसर है मिड ब्रेन। तो बेसिकली सेरिब्रल एक्वाडक्ट एक कैनाल है जो कि मिड ब्रेन के थ्रू पास करता है। अब देखिए, जो मिड ब्रेन है उसका जो डॉर्सल पोर्शन है उसमें चार स्वेलिंग्स पाई जाती हैं और इन चार स्वेलिंग्स को हम कॉर्पोरा, क्वाड्री, जेमिना के नाम से जानते हैं। तो कॉर्पोरा, क्वाड्री, जेमिना बेसिकली क्या है, दीज आर द फोर स्वेलिंग्स विच आर प्रेजेंट एट द डॉर्सल साइड या डॉर्सल पोर्शन ऑफ द
मिड ब्रेन। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ एनसीईआरटी में मेंशन है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर हाइंड ब्रेन की बात करें, जो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाइंड ब्रेन के साथ एसोसिएटेड हैं, वो क्या है कि हाइंड ब्रेन के कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो बेसिकली पहला कंपोनेंट है पॉन्स वेरुलाए, सेकंड इज सेरिबेलम एंड थर्ड इज मेडुला। अब देखिए पॉन्स क्या होता है, तो पॉन्स दे आर बेसिकली फाइबर ट्रैक्स दैट कैन इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। तो पॉन्स वेरुलाए क्या है, बेसिकली कुछ फाइबर ट्रैक्स हैं जो ब्रेन के अलग अलग रीजन को कनेक्ट करते हैं। सेरिबलम क्या होता है, ये हमारे वॉलंटरी इंटरफेस के लिए इन्वॉल्व है। देखिए ये हमारे पास जो हमारी बेसिक जिसको हम कहते हैं बैलेंसिंग एक्टिविटीज़ है उसके लिए इन्वॉल्व होता है। अब मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये पूछा जा सकता है विच पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। आंसर है मेडुला ऑब्लंगाटा ऑफ द हाइंड ब्रेन या ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। द मेडुला कंटेन सेंटर्स विच कंट्रोल्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार नीट में आता है कि रेस्पिरेशन को कौन कंट्रोल करता है। तो ये अगर आपसे पूछे पार्ट ऑफ ब्रेन तो हाइंड ब्रेन है, लेकिन अगर पूछे हाइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट तो बेसिकली मेडुला ऑब्लंगाटा। कई बार इसमें ऑप्शन में पॉन्स भी आता है, लेकिन पॉन्स एक रॉन्ग चॉइस होगा, करेक्ट चॉइस विल बी मेडुला ऑब्लंगाटा। अब देखिए जो मेजर रीजन्स विच मेक अप द ब्रेन स्टेम आर बेसिकली द मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लंगाटा। आप देखेंगे ब्रेन के स्ट्रक्चर में, आपको दिखाऊंगा मैं कि इस तरीके से नीचे आपको एक स्टेम लाइक पोर्शन दिखेगा। तो जो मिड ब्रेन होगी, ये मान लीजिए मिड ब्रेन, ये पॉन्स और ये मेडुला ऑब्लंगाटा। तो ये जो तीन कंपोनेंट्स हैं ये बेसिकली ब्रेन स्टेम को बना रहे हैं। और ब्रेन स्टेम क्या करता है, ब्रेन और बेसिकली जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसके बीच में कनेक्टिविटी बनाता है। अब देखिए यही चीज़ यहाँ पर इस तरीके से लिखी गई थी कि अगर यहाँ पे, अगर हमने यहाँ पे बात करी थी देखिए कि मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज द लास्ट पोर्शन ऑफ द हाइंड ब्रेन एक्चुअली इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड द पोर्शन इज मेडुला। तो ये छह इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो यहाँ पर हाइंड ब्रेन के साथ कंसर्न है जब हम बात करते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट की। अब बच्चों चलिए हम देखिए, ये हमने यहाँ पर कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ग्रे मैटर की हम बात कर चुके हैं। ग्रे क्यों था, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूरॉन्स थे जो कि यहाँ पर इसको ये कलर प्रोवाइड कर रहे थे। ग्रे मैटर के अंदर वाला रीजन देखिए ये वाइट मैटर था। ये फ्रंटल सेक्शन में आप देखेंगे कि जो लॉजिकल एबिलिटी वाला पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं, वो लोकेटेड होता है। अब जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है, ये वाला पोर्शन आप देखिए बैलेंसिंग के लिए, जिसे हम सेरिबेलम कहते हैं, जो कि हमारी हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ये हमारी मिड ब्रेन है, ये देखिए हाइपोथैलेमस है, और ये देखिए जो हमारा लास्ट पार्ट है, और यहीं से देखिए स्पाइनल कॉर्ड की कनेक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ इस डायग्राम से क्लियरली समझ सकते हैं कि जो ये मेडुला ऑब्लंगाटा है यही बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टिविटी बना रहा है। तो इस डायग्राम में हमने बेसिक लोकेशन सेरिब्रम की, ग्रे मैटर की, वाइट मैटर की, मिड ब्रेन की, सेरिबेलम की, हाइपोथैलेमस की और मेडुला ऑब्लंगाटा को यहाँ पर हमने स्टडी किया। अब देखिए नेक्स्ट डायग्राम में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में मेंशनड है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोब्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन्स होती हैं जो कि पूछी जा सकती हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो देखिए ये कलर मार्किंग्स हैं अलग अलग ब्रेन्स की, के लोब्स की, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट हैं। अब सबसे पहले जो लोब हम यहाँ देख रहे हैं, ये जो फ्रंट पोर्शन में है, इसे हम फ्रंटल लोब के नाम से जानते हैं।
जो कि बेसिकली थिंकिंग, मेमोरी, बिहेवियर एंड मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अब देखिए, ये है हमारा पीछे वाला जो लोब, जिसको हम पैराइटल लोब कहते हैं, जो कि लैंग्वेज और टच के लिए क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अंडरस्टैंडिंग, मैनिपुलेशन ऑफ लैंग्वेज एंड परसेप्शन ऑफ टच, अगर किसी लोब से कनेक्टेड है तो वो हमारा, बच्चों कौन सा लोब होगा, वो हमारा बेसिकली पैराइटल लोब होगा। अब अगर हम यहाँ पर ऑसीपिटल की बात करें, तो ऑसीपिटल का डायरेक्ट मतलब होता है देखने से। दैट मींस कि वो लोब जो कि बेसिकली साइट के लिए या विजनरी पावर डेवलप करने के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट लोब इज द ऑसीपिटल लोब। अब देखिए, यहाँ पर एक टेम्पोरल लोब होता है, जिसका बेसिक, जो बेसिकली हमें हेयरिंग, लर्निंग और फीलिंग्स के लिए जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फीलिंग्स के परसेप्शन के लिए। तो इस चीज़ को हम बेसिकली क्या कहते हैं, टेम्पोरल लोब कहते हैं। अब देखिए, ये है ब्रेन स्टेम, जिसकी मैंने बात करी थी, जिसकी कनेक्टिविटी डायरेक्टली किससे होती है, आगे जाके देखेंगे। जो लास्ट पोर्शन है इसका, मेडुला, इसकी कनेक्टिविटी डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से होती है। अब यहाँ पे जो ब्रेन स्टेम है, जिसमें हमने बेसिकली तीन एरियाज आपको बताएं, अगर हमने यहाँ पे बात करनी है ब्रेन स्टेम की, जिसमें हम मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लॉन्गाटा की बात कर रहे थे, तो देखिए ये है वो ब्रेन स्टेम वाला पोर्शन, जो कि बेसिकली ब्रीदिंग, हार्ट रेट और टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस स्लाइड में हमने बेसिकली अलग अलग लोब्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन की बात करी है विद देयर रिस्पेक्टिव रोल्स। अब देखिए, यहाँ पर भी हम वही बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी हमने जो लेबलिंग है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से इस डायग्राम में डिपिक्ट किया है। सेरिब्रम की हमने बात कर ली है, हमने कॉर्पस कैलोसम की बात कर ली है, जो कि राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर्स या सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के बीच में इंफॉर्मेशन को कन्वे करेगा। यहाँ पे कुछ चेम्बर्स होते हैं, देखिए ब्रेन में, इनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये थैलमस की पोजीशन दिखाई गई है, जो फोर ब्रेन का पार्ट है। ये देखिए, ये मिड ब्रेन है, ये हमारा सेरिबेलम है, ये हमारी ब्रेन स्टेम है। अब देखिए, यहाँ पे ये मेडुला है, इस रीजन को पॉन्स कहते हैं, और देखिए ये वाला जो रीजन है ये हाइपोथैलेमस है, और यहाँ पर एक सुप्रा कैज़मेटिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और ये देखिए, क्लियर कट लोकेशन दिखाई गई है पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ अराइज करते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो आपको पता होना चाहिए, इट इज़ द ग्लैंड ऑफ द ब्रेन। अब सेरिब्रम, कॉर्पस कैलोसम, वेंट्रिकल्स, थैलेमस, मिड ब्रेन, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम, मेडुला, पॉन्स, सुप्रा कियाज़मेटिक न्यूक्लियस, हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर हमने इतने पार्ट्स की, बच्चों, लेबलिंग देखी है। अब देखिए, यहाँ पर हम कुछ फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन ब्रेन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने उसकी लेबलिंग देखी है, यहाँ पे हम इस वाली स्लाइड में उसके हम फंक्शंस को देख रहे हैं। बेसिकली जो यहाँ पे हम फंक्शंस देख रहे हैं वो कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का फंक्शन, ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स थिंकिंग एंड सेंसिंग फंक्शन एंड वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। देखिए, ये जितने भी सेप्टम्स हैं यहाँ पे, दे इन्फ्लुएंस द एंगर एंड फेयर। हिप्पोकैम्पस क्या करता है, इन्फ्लुएंसेस लर्निंग एंड मेमोरी। थैलेमस क्या करता है, रिलेज सेंसरी इंफॉर्मेशन टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स। हाइपोथैलेमस क्या करता है, रेगुलेट्स टेम्परेचर, ईटिंग, स्लीपिंग एंड एंडोक्राइन मूवमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जो चीज़ है, जो हाइपोथैलेमस का रोल है, ये कई बार कंपटीशन में पूछा जा सकता है। तो ये डायग्राम आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस डायग्राम में हम अलग अलग पार्ट्स ऑफ ब्रेन्स के फंक्शंस को भी देख रहे हैं। अब देखिए, यहाँ मिड ब्रेन की बात आती है, तो ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, जो क्या करता है, बेसिकली मैसेज को
और मैसेज जो कि स्लीप और अराउजल मतलब सोने और जगने के जो मूवमेंट्स होते हैं उनको बेसिकली कौन रेगुलेट करता है, मिड ब्रेन रेगुलेट करता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जब पॉन्स वेरुलाई की बात करेंगे तो इसका बेसिक रोल क्या है, इट रिलेज इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड द सेरिब्रम। तो बेसिकली जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये जो बाहर वाला ये वाला जो रीजन हम देख रहे थे, और जो सेरिबेलम है जो ये वाला रीजन है, इसके बीच में जो पॉन्स है वो क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है। मैंने आपको बताया ही है कि जो सेरिबेलम है उसका रोल बेसिकली कोऑर्डिनेशन का है, बॉडी बैलेंस का है, और जो फाइन मसल्स हैं उनके मूवमेंट का होता है। मेडुला का रोल है इट रेगुलेट्स हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग। ये जो ब्रीदिंग वाला रोल है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम मेडुला की बात करते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, रिलीज नर्व इम्पल्सिस बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी। तो ये देखिए जो लास्ट मेडुला ऑब्लॉन्गाटा है जो कि कनेक्टिविटी बना रहा है इस स्ट्रक्चर से, जिसे हम यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड कह रहे हैं, तो यहाँ पर इसका रोल जो है क्लियरली मेंशनड है कि ये नर्व इम्पल्सिस के कोऑर्डिनेशन को ब्रेन से बॉडी तक को क्या करने वाला है, रेगुलेट करने वाला है। और हमने देखिए अमिगडाला के बारे में पढ़ा था जो कि एंगर एंड एग्रेशन को कंट्रोल करता है, एनसीईआरटी में इसका सिर्फ नाम लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो रोल है बच्चों वो बेसिकली क्या है कि अमिगडाला जो है वो बेसिकली एंगर और एग्रेशन को इन्फ्लुएंस करता है। और ये देखिए ये यहाँ पर कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं किस चीज़ के, जो सेरिब्रल हमारा पोर्शन है ब्रेन का, उसके जहां पर हमने इस वर्ड को एनसीईआरटी में अपने टेक्स्ट में भी पढ़ा है। अब देखिए यहां पे कुछ अदर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन है, इसमें सारी चीजों को तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर आप कुछ एरियाज देख रहे हैं, जैसे मैंने यहां पे बात करी है ब्रोकास एरिया की। ये देखिए ये जो है ब्रोकास एरिया, जो कि बेसिकली किस चीज से कंसर्न्ड है, स्पीच से कंसर्न्ड है। तो ये पूछा जा सकता है विच एरिया ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज कंसर्न्ड विद स्पीच, आंसर है ब्रोकास एरिया। तो एक ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही बच्चों आप यहाँ स्पीच कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी ब्रेन में एक एरिया है जिसे हम कहते हैं वर्निक्स एरिया, ये बेसिकली स्पीच कॉम्प्रिहेंशन के लिए इन्वॉल्व है। ऐसे ही आप देखिए इसमें से कुछ के रोल्स हम पढ़ चुके हैं और कुछ यहाँ पे नए दिख रहे हैं, जैसे मोटर कॉर्टेक्स है ये मूवमेंट में इन्वॉल्व है, सेंसरी कॉर्टेक्स है ये पेन हीट एंड अदर सेंसेशंस के रिसेप्शंस में इंपॉर्टेंट है, पैराइटल लोब मैंने आपको पहले भी बताया था कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लैंग्वेज में इसका रोल है, टेम्पोरल हेयरिंग में है, ऑसिपिटल का बेसिकली विजुअलाइजेशन में या विजुअल एरिया को के परसेप्शन में होता है, सेरिबलम का कोऑर्डिनेशन के लिए होता है, ब्रेन स्टेम स्वॉलोइंग ब्रीदिंग हार्ट ब्रीथ वेकफुलनेस सेंटर एंड अदर इन्वॉलंटरी फंक्शंस को रेगुलेट करता है, टेम्पोरल लोब जो है इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल फंक्शंस को रेगुलेट करता है, और फ्रंटल लोब जो है वो स्मेल को रेगुलेट करता है। जिसमें देखिए फ्रंटल लोब का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि जो जजमेंट फोरसाइट एंड वॉलेंटरी मूवमेंट्स जो हैं वो इनको भी बेसिकली रेगुलेट करता है। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक आपको डीप इंसाइट दिया है क्लास 12th तक के सिलेबस का, बेसिकली ये चैप्टर तो क्लास 11th का है, लेकिन अगर हम 10+2 लेवल तक की बात करते हैं तो इतनी डिटेल्स जो ब्रेन से कंसर्न्ड है आपके लिए, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेक्शन है और नीट प्रॉस्पेक्ट को जो कवर कर रहा है उसके लिए सफिशेंट है बच्चों। तो इसको मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं, लेकिन एक एक बेसिकली सटीक पैरामीटर पे इस अपने लेक्चर को डिज़ाइन किया है, जहाँ पर बेसिकली पार्ट्स और उसके रोल्स को ही हमें एम्फसाइज करना है। तो आपको यहाँ पे पार्ट्स और उसके रोल्स का बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ समझ में आया होगा जब हम बेसिकली किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम ब्रेन से कंसर्न्ड उनके फंक्शंस की बात कर रहे हैं। सो फॉर टुडे, आज का लेक्चर मैं अपना यहीं समाप्त करता हूँ, और
होपफुली हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे. सो थैंक यू ऑल.